दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे एयरफोन्स के मैंने रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी। अमेज़ोन का ये प्रोडक्ट है क्राटोस थम वायर का, और इसकी जो क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। वैसे मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त स्टेशन से कहीं पर भी खरीदोगे वायर वाला एयरफोन, तो सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगा, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो अमेज़ोन से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम यह है कि इसका पूरी तरह से रिव्यू करके आपको बताना कि क्या ये जो एयरफोन है क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, मैंने ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, अब काम है इसका रिव्यू करना। मैं बेसिकली इसके बारे में, इसकी वायर की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी कॉल क्वालिटी के बारे में। बेसिकली मैं आपको यही बोलूंगा कि कॉल एक्सपीरियंस के लिए आप बिल्कुल ना सोचें, बिकॉज अगर आप थोड़ा दिन हो जाने के बाद में कॉल के अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर लाएगा। कॉल के अंदर प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको माइक को कभी कभार आपको ज़बान के करीब रखना पड़ता है। ये इनफैक्ट बहुत सारे एयरफोन के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो ये कोई नया नहीं है। तो आज नहीं आ रहा, लेकिन कल ज़रूर आएगा कॉल के लिए। तो यहाँ पर कॉल का मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। कॉल का मैंने जो इनिशियल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है उसमें तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट आपको आगे का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड ये होता है कि जो इसकी जो वायर क्वालिटी है वो थोड़ा थिन है, जिस वजह से क्या होगा, अगर आप इसे रफली यूज़ करोगे तो जो लेफ़्ट या राइट में से कोई ना कोई ये 1-2 महीने के अंदर इसका एयरफोन्स ख़राब हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ करना पड़ेगा। टैंगल फ्री बिल्कुल भी नहीं है, बोला जाता है कि ये टैंगल फ्री है, बट ये टैंगल फ्री नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। साउंड क्वालिटी के मामले में तो मैं इसे बहुत अच्छा रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी का जो इसकी जो मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो, अगर आप एक सस्ते के अंदर आपको एक अच्छा देखना है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए साउंड क्वालिटी के लिए। तो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, तो प्रोडक्ट काफ़ी, मतलब एयरफोन जो है वो प्राइस के हिसाब से जस्ट वैल्यू फॉर मनी है। ऐसा नहीं है कि आपका वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, स्टिल अच्छा है। वायर आपको समझना, बिकॉज प्राइस बहुत कम है, तो लेकिन आपको क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, साउंड क्वालिटी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो, साउंड क्वालिटी में आपको स्टीरियो आपको क्वालिटी मिलेगी, बेस आपको डीप मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ें हैं इसके साथ में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। या फिर अगर आप मुझे पूछोगे कि इसके अलावा, क्योंकि कोई ऑप्शन अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई इतना सस्ते में, तो बेसिकली एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे बिल्कुल भी परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ।